हरियाणा में पिछले 3 दिन से प्रदेश भर के आढ़ती हरियाणा स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के आह्वान विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि 5 अप्रैल तक चलेगा। रदौर अनाज मंडी में आज तीसरे दिन भी आढ़तियों ने मार्केट कमेटी परिसर में मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर आढ़तियों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गयी तो भाजपा सरकार को इसका खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। देखते रहिए अजीत समाचार वेब टीवी। मेन मुख्य मांगे हमारी यही हैं, जो हमारी दामी कम की गई है उसको पूरा दिया जाए, और जो किसान की जितनी भी फसलें मंडी में आती हैं, जो एमएसपी पे बिकती हैं, उसको आढ़ती के माध्यम से खरीदा जाए, और जो किसान की पेमेंट है उसका भुगतान किसान की इच्छा के अनुसार हो, ना कि कोई ज़बरदस्ती हो। तो हमारी मुख्य मांगे यही हैं, जो GST की या कोई मंडी बोर्ड की वो व्यवस्था में कोई दिक्कत है उसको सुधारा जाए। तो हमारी सरकार से बस यही मांग है भाई, जल्दी से जल्दी इस पर कोई निर्णय लिया जाए, वरना फिर इसके बाद 5 तक तो हमारे धरना प्रदर्शन है, और उसके बाद जब सीजन निमट जाएगा 15 मई से लेकर और 25 मई तक करनाल के अंदर हम पूर्णतया सरकार का घेराव करेंगे, और वोट की चोट से फिर इस सरकार को हम नुकसान पहुंचाकर इसको चलता करेंगे। यहाँ नहीं, खरीद सुचारू रूप से चलती रहेगी, सिर्फ हमारा धरना प्रदर्शन रहेगा। खरीद में हम किसान को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, किसान हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, उसका हित सर्वोपरि है।